जस टीवी देख रहे हो तुसी, मैं केपी सिंह तुहाडा स्वागत करता। इस स्वागत के नाल अमरीका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जिहड़ी टिप्पणी की है कि उस टिप्पणी ते भारत में घमसान मचिया होया है। टिप्पणी कश्मीर के मामले ते है ते पाकिस्तान ते प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने हुई है टिप्पणी। तो इस टिप्पणी ते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जवाब मंगया जा रहा, विरोधी जवाब मांग रहा है कि इस सब दे विचारे असी सवाल ये करांगे कि ट्रंप ने कश्मीर वाला कलेश क्यों पाया, ट्रंप का टारगेट है की है, भारत पाकिस्तान की टेंशन विचों ट्रंप लभदे की है कि है, सवाल क्यों पूछांगे, ट्रंप ने कश्मीर वाला कलेश क्यों पाया। Prime Minister Modi, and he actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? ट्रंप ते कश्मीर अज बहस इसलिए कर रहे हैं, तुहानू टू द पॉइंट विच पॉइंट दस्सीए। कश्मीर ते अमरीकी राष्ट्रपति बयान ते भारत च घमसान मचा होया, पाकिस्तान प्रधानमंत्री के सामने ट्रंप ने कश्मीर ते विचोलगी की पेशकश की है। पीएम मोदी के हवाले नाल दिते ट्रंप के बयान ते भारत में घमसान मचा होया। भारतीय विदेश मंत्रालय के बुलारे ने इमीजिएटली टिप्पणी की इस ते, उस बुलारे तो बाद विदेश मंत्री ने भी सदन में बयान दिता। एस जयशंकर ने सफाई दी है, विरोधी धिरां ने दोहां सदनां च हंगामा किया, क्या पीएम खुद दसन सच की हैगा ट्रंप के बयान तो बाद। अमरीकी विदेश मंत्रालय का भी रुख सामने आया, अमरीका की सियासत में भी ट्रंप के बयान से सियासी भूचाल आया होया, उत्थे भी असहमति कई वालों प्रगट की गई है। वड्डा सवाल इस डिबेट के ये पूछा जाएगा, अमरीकी राष्ट्रपति के कश्मीर वाले ट्रंप कार्ड के टारगेट की है कि इस सवाल से असं चर्चा करा कि पैनल साडा मौजूद हैगा, उन्होंने तुहाडा तारुफ करा रहे हैं। विक्रमजीत सिंह सीनियर पत्रकार ने, विक्रमजीत सिंह कश्मीर मुद्दे बारे भी बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि इन्होंने उत्थे रिपोर्टिंग भी की हैगी है, तो करगिल वेले भी इन्होंने रिपोर्टिंग की है, तो इस करके उस बयान में यह बेहतर तरीके समझते हैं कि दोनों मुल्कों के टेंशन है कि अमरीका इस चाहता की है। क्या विक्रमजीत सिंह, तुहाडा बहुत स्वागत है। हरजीत सिंह भुल्लर भारतीय जनता पार्टी बुला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, एनडीए सरकार हैगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी टिप्पणी बहुत मायने रखती है, इसलिए उन्होंने इतने सद्या है। भुल्लर साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। फहीम उद्दीनदार ये चेयरमैन है जम्मू कश्मीर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के, इन्हों तो समझने की कोशिश करा कि नौजवान है जिहड़ा कश्मीर का, नौजवान है भारत का, नौजवान वर्ग जिहड़ा हैगा सियासत का, वह की सोचता हैगा इस पूरे मुद्दे पर ट्रंप के इस बयान से, कश्मीरी की सोचते हैं क्या, यह भी समझने की जरूरत है कि है, तो इस पूरे मामले में एशियाई खिता की सोचता है क्या, इस समझने की जरूरत है कि है। फहीम उद्दीनदार तुहाडा बहुत स्वागत है। प्रोफेसर मनजीत सिंह पोलीटिकल एनालिस्ट तौर पर साडे नाल मौजूद रहणगे। प्रोफेसर मनजीत सिंह इन्होंने बड़े विद्यार्थी बनाए हैगे राजनीति शास्त्र के, उन्होंने पढ़ाया हैगा, इन्हों तो समझने की कोशिश करा कि जिहड़ी राजनीति ट्रंप की हैगी है, तो मोदी की राजनीति है कि उस सब के विचाले इमरान की राजनीति कित्थे जाके खड़ती हैगी है, तो दोनों मुल्कां दे विच मसले हल होणगे जां सिर्फ ट्रंप ने आपदी टेंशन घटाई है, जां भारत की टेंशन बताई हैगी, जां पाकिस्तान नूं कुछ होर दे दिता हैगा, इह सब समझण की कोशिश करांगे। प्रोफेसर मनजीत सिंह तो, प्रोफेसर मनजीत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। बहुत संजीदा चर्चा मंगदा यह विशा, तो कृपा करके मेरी यह बेनती है कि सारे पैनलिस्ट नूं संजीदा चर्चा की जाए, जिहड़े सवाल का जवाब नहीं देना चाहते वह पास हुण कर दिता जाए। भुल्लर साहब सवाल बड़ा सधारण हैगा, विरोधी एक सवाल पुछते पे है कि मोदी साहब खुद दस दिन सच की हैगा, मोदी साहब नूं दसण विच दिक्कत है की है। भुल्लर साहब नहीं, तुसीं एक चीज़ दसो कि एक सरकार है, सरकार दे विच एक फॉरेन मिनिस्ट्री हैगी है, और उसके मिनिस्टर ने आके वो स्टेटमेंट दिती है कि वो मिनिस्ट्री वैल्यू नहीं रखती है, वो कमजोर विदेश मंत्री कह रहे हैं। भुल्लर साहब कमजोर किस तरह कहते हो, तुसीं कमजोर विदेश मंत्री है, अजे बनिया नु महीना होया, तुहाडे विरोधी कह रहे हैं, विरोधी नाल ओ गल कह रहे हैं, नाल ओ गल कह रहे हैं, विरोधी ते आप कमजोर ने, नाल ओ गल कह रहे हैं कि अमरीका दी स्ट्रैटेजी नु विदेश मंत्री साहब जिस तरीके ने सोचते हैं समझते हैं उन्होंने बयान तो अभी संतुष्ट नहीं है, सानू प्रधानमंत्री साहब का बयान चाहिए। पहले दसो कि जो विरोधी ने किन्ने तकड़े ने जी, वो आप कमजोर ने, ठीक है, उन्होंने तो अपन पार्टियां वास्ते प्रधान नहीं लभ रहे अज तरीक इन्ने कमजोर ने, इस करके उन्होंने छोड़ो, जिहड़ी चीज एक देश का एक मंत्री आके जिहदा बनता है फर्ज बोलने का वो बोल रहा है, उस प्रधानमंत्री ने कहता, उन्होंने कहता बराबर है, जो उन्हें आके गल कही है प्रधानमंत्री लफ्ज ने, कोई अपने को आके तो नहीं कहे उन्हें, और पार्लियामेंट च कहे ने, दोनों सदनों के आके कहे है, वो पूरे उन्नी वैल्यू रखते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ट्वीट कर देने माड़ा या कर तो देंगे, ट्वीट कर देने, मैं कहता लोड़ ही नहीं हैगी, जो एक मंत्री ने आके कहता जो विदेश मंत्री है वो आप आगे सदन स्टेटमेंट दे रहा है, इट्स मोर देन इनफ। चलो मैं अगे जाना, भुल्लर साहब एक सवाल का जवाब मैंने होते दो, कश्मीर से भारत ने अपना स्टैंड बदलता नहीं लिया, जो स्टैंड एक सवाल पूरा ले लो, जो स्टैंड कोई बदलाव तो नहीं आ गया है, ना तो कोई स्टैंड बदलिया जी, साड़ी सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लीयर है कश्मीर बारे, और कोई लको नहीं है। चलो ठीक है, फहीम उद्दीनदार एक नौजवान की सोचता हैगा कि ये जिहड़ा अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने बयान दिता हैगा, इस बयान नूं भारत कबूल करता हैगा ज नहीं?
ये देखिए, चाहे भारत कबूल करे इसको या ना करे, चाहे पाकिस्तान कबूल करे या ना करे, अभी अगर हम देखें तो सफ़र कौन कर रहा है? वो तो आम नागरिक कर रहा है, आम कश्मीरी कर रहा है। और अभी बुल्लर साहब ने बोला कि हमारे जो ये स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बता दिया, जो इनके मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्ट्री है, उन्होंने क्लेम ये डिक्लेयर किया कि हमारा नहीं है। तो इतनी पॉलिसियाँ बना रही है अमेरिका के साथ, अगर अमेरिका झूठा है तो वो फिर आगे क्या, मतलब फिर झूठे लोगों के साथ पॉलिसियाँ बना रहे। फिर जब अभी तुसी अमरीका की विचोलगी चाहते हो जी, अमरीका तुसी विच चाहते हो, अमरीका गलबात करे किसी को भी नहीं, ये हमारा आपसी इंडिया पाकिस्तान दोनों का आपसी मसला है। हाँ, अमेरिका अमेरिका की इंडिया पाकिस्तान और कश्मीर का मसला है। हाँ, ये मतलब इनको सामने आना चाहिए। तो ये तो इंडिया पाकिस्तान ही डिसाइड करते हैं कश्मीर का है, उनसे तो आज तक नहीं पूछा गया किसी ने कि इंडिया पाकिस्तान ही डिसाइड करेगा कश्मीर के नौजवान क्या जाएंगे। कश्मीर में जो लोकल अरेस्टिंग हो रहे है, जो वहां पे अफसफाई लगे जा रहे है, जो वहां पे मतलब इन्वेस्टिगेशन होते, इलीगल इन्वेस्टिगेशन, किसी को भी शक के आधार पे आप अंदर कर देते हो, इससे क्या लगता है कि ये एक मतलब लीगल प्रोसीजर है? डेमोक्रेसी पाकिस्तान टेररिज्म फैला रहा है, उनके बारे में कुछ नहीं बोलोगे जी? पाकिस्तान टेररिज्म इसीलिए फैला रहा है क्योंकि इंडिया उसको स्पेस दे रहा है वहां पे, जब जुल्म होगा वहां पे। तो लगता दोनों मुल्कों की नीतियां गलत है कश्मीर के मामले, तुम ये कहना चाह रहे हो जी? बिल्कुल, कभी आज तक देखिए क्या निकला है, कभी कहते हैं डायलॉग प्रोसेस करेंगे, कभी कुछ कहते, बच्चे गन उठा रहे आजकल, वो आर्म्स उठा रहे, किस लिए उठा रहे? ताकि उनको आज तक जस्टिस मिला ही नहीं। अब वो फ्रस्ट्रेशन है बच्चों में, वो कोई भी मतलब कदम उठा सकते। ये तो एक पॉलिटिकल फेलियर है, चाहे बीजेपी ने क्या किया 5 साल, अभी आ रही है तो क्या कर रही है? अभी अमित शाह वहां होके आए, कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, किया क्या? अभी दिखाओ ना, मतलब ग्राउंड पे क्या किया उन्होंने अभी आया आज तक कुछ? ठीक है पुलर साहब, देखो जी ये गल कर रहे हैं, कश्मीर दे विच 3 स्टेटां जिन्ना खर्चा किया जाता है, और हथियार कोई चक्कन वास्ते कोई हिंदुस्तान की सरकार ने इन्होंने मजबूर नहीं किया, इन्हों किसी ने यह नहीं किया कश्मीरी पंडित उतों की कुट के कट दो। जो उत्थे हालात पैदा किए हैं इन्होंने अपने हालात पैदा किए हैं, पाकिस्तान की शायद डिबेट तो भड़कता नहीं जा रहा, नहीं भड़क नहीं रहे। मैं इन्होंने गल का जवाब दे रहा हूं, इन्होंने जो हालात उत्थे पैदा हुए हैं पाकिस्तान की शायद कुछ लोगों ने हालात पैदा किए। ठीक है ठीक है, वापस प्लीज फीम प्रसन्न मनजीत सिंह, इस पूरे मामले का पोलिटिकल मतलब है की है? ये रस्ता जोड़ा किधर जाता है? सी पैक, अफगानिस्तान, किस मुद्दे का जिक्र किया जाए जो ट्रंप ते इमरान खान का एक बयान होता है? प्रसन्न मनजीत सिंह, दो गल आया, एक तो गल है प्रोटोकॉल की, ये बिल्कुल ही किसी नूं नहीं गल मन चो पाउंदी कि एक दुनिया की सब तो पावरफुल देश की देश जिहड़ा हैगा अमरीका, और उहदा राष्ट्रपति किसी बारे कोई दुनिया की सब तो वड्डी जमहूरीयत हिंदुस्तान की उहदे प्रधानमंत्री बारे कोई गल कहे, और सारे अखबारों छपी है, कोई लुकी छिपी तो गल है नहीं, ये वड्डी खबर आ, और उहदे बारे कोई गल कहे तो मगरों एक्सटरनल अफेयर मिनिस्ट्री विद एन NR जयशंकर जी कह दें नहीं 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 साड़ी तो यह पॉलिसी नहीं है, ये तो मैं प्रधानमंत्री ना गल कर ली जाए, योजी कोई गल ऐसी नहीं है, योजी गल कोई नहीं कही, ना 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 ना, ये तो जमें न्याणे कोई चोरी जी फड़ी जाती है ना फटाफट व्यवस्थे चो, कोई पेंसिल पुंसल उन्हें मैं नहीं की, योजना गल् नहीं होंदिया। एक प्रेजीडेंट का जो प्रोटोकॉल ये मंग करता कि प्रधानमंत्री उत्थे बयान देन, ठोक के बयान देने, ये कि बोलते नहीं है, एक तो मनमोहन सिंह थोड़ी है, ये तो हर गल तो ठोक के बोलते ही है, और इस करके करके गल कह भी मैं गल नहीं की उत्थे पार्लीमेंट के अंदर, और सानू भी इस गल का सैटिस्फैक्शन हो साडा सारे देश का इज्जत माण प्रधानमंत्री ने उच्चा रखिया, उन्होंने कोई लुक छिप के कन्न च फूक नहीं मारी इस कश्मीर बारे, और जो साड़ी देश की 70 सालों की लगातार एक पॉलिसी चली आ रही है कि असी किसी की मीडिएशन नहीं करनी, भावें यूनाइटेड नेशन आ, भावें अमरीका आ, भावें पुतिन आ, भावें शी है चाइना है, असी किसी की नहीं चाहते, असी अपना मामला आप हल करने के काबिल है और करांगे। एक गल का साफ साफ आना चाहिए, छोटी गल नहीं है जिवें तुसीं शुरू च कही। दूजी गल बड़ी साफ आ, आउंदे साल जिहड़े आ उत्थे ट्रंप साहब की इलैक्शन आने वाली आ, वह जिहो जिहा भी सज्जे खब्बे तुहानूं पता ही आ, कोई वो बेलगामियां वांगू उन्होंने अपनी कंपेन सारी, जो जिस तरह जिहड़े उत्थे स्किन का भी काले का चिट्टे का हिस्पैनिक्स का वा सारा कुछ उत्थे चलूगा, और देसी का विदेशी का जो इतने भी काफ़ी हद तक साढ़े भी चल रहा, सिटीजन रजिस्टर तैयार हो रहा, बांग्लादेशियों दी लिस्टा बन रही, फलाना एक मिनट, उस करके मैनू ये लगता कि जिहड़ी इमरान खान आया ज़्यादा इलैक्शन की तैयारी आ ट्रंप की,
और उहदे नां ते उह जिहड़े तालिबान होर हाफिज़ सईद नूं फड़ना मगरों उहदियां गल्लां होणगियां इस किस्म दियां गल्लां है। ठीक है, एक छोटा ब्रेक लवांगा, ब्रेक तों वापस आके विक्रमजीत सिंह खरड़ समझने की कोशिश करांगे ट्रंप ने कश्मीर वाला कलेश क्यों पाया, क्योंकि सवाल यूएस दियां इलैक्शनस का भी हैगा, सवाल अफगानिस्तान दे विच अमरीकी फौजां का भी हैगा, सवाल सी पैक का भी हैगा, सवाल भारत पाकिस्तान दे विचाले कश्मीर की टेंशन का भी हैगा, बहुत सारे सवाल हैगे आ, पर इह सारे सवालां दे विचाले ट्रंप लभदे की पए हैगे आ, सिर्फ राजनीति जां हल जां सिर्फ उन्हां निजी मुफाद हैगे आ। ब्रेक तों वापस आके सारे सवाल पुछांगे। जरूर सवाल एको पूछ रहे हैं, असं वड्डा सवाल यह पूछ रहे हैं अमरीकी राष्ट्रपति के कश्मीर वाले ट्रंप कार्ड से टारगेट की है कि विक्रमजीत सिंह, मैं सवाल जो पूछे से ब्रेक से जाने तो पहला सवाल उ है, उस इमरान खान साहब का ट्वीट आया है, इमरान खान साहब कहते मैंने उम्मीद नहीं सी कि भारत वाले यह रिएक्शन आऊगा, की कहोगे विक्रमजीत सिंह टारगेट है की है? देखो डोनल्ड ट्रंप का सब तो वड्डा टारगेट है टू गैट अमेरिकन ट्रुप्स आउट ऑफ अफगानिस्तान विच ही विल दैन सैल टू द अमेरिकन पब्लिक इन द जो इलेक्शन आ रही है कि मैं अमेरिका की 19 ईयर जी सब तो लंबी वॉर चली है वो मैं अपने जोड़े फौजी ने उन्होंने कड़ के और जो ट्रिलियनज़ ऑफ डॉलर का खर्चा अमेरिका हो रहा वो मैं बचा लिया, क्योंकि ट्रंप ने तुम्हें नोटिस करो उन्हें अपने स्टेटमेंट में यह कहा कि भी असी पुलिसमैन नहीं है दुनिया के, असी अफगानिस्तान में पुलिसमैन ही बन के रहना चाहते, ठीक है। और फिर ट्रंप ने कहा कि मैं मेरे को इन्नी पावर है कि मैं जोड़े अफगानिस्तान के 10 मिलियन लोग ने उन्होंने मैं 10 दिनों में खत्म कर सदा, उसका की मतलब उसका यही मतलब है ट्रंप कह रहा है कि मैनू कोई परवाह नहीं कि अफगानिस्तान की होंगे एज लोंग एज मैं अमेरिका नू अफगानिस्तान चो विदड्रॉ करना अपने पैसे बचाना अपने सैनिक बचाना, सो दैट इज़ ट्रंप्स मेन एम एंड मेन एम इज़ कनेक्टेड टू हिज डोमेस्टिक पोलिटिकल कंसर्नस। नाउ कम्स द क्वेश्चन ऑफ ट्रंप ने जिहड़ा कश्मीर से स्टेटमेंट दिती है कि मोदी जी ने उन्होंने कहा कि मीडिएटर करो, इहदी कोई एविडेंस नहीं हैगी है कि यह गलबात हुई है, ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, की पता मोदी और ट्रंप की इनफॉर्मल डिस्कशन में कोई ए जी गल हुई जो ट्रंप इंटरप्रेट्स इट लाइक दिस। ट्रंप ने जिहड़ा कश्मीर का इशू रेज करके और मोदी ते पाई कि मोदी ने उन्हां दी इंटरवेंशन की है, इहदे दो मेन ऑब्जेक्टिव ने, एक तो पाकिस्तान नूं खुश करना, क्योंकि जब तक पाकिस्तान नूं खुश नहीं करेगा ट्रंप अमेरिका अफगानिस्तान तो विदड्रॉ नहीं कर सकता। और सब तो वड्डी स्ट्रैटेजिक एम जो अमेरिका का यह है कि जब अमेरिका अफगानिस्तान चो निकल जाता है दे वॉन्ट के पाकिस्तान आर्मी एंड ISI इंश्योरस कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान विच अलकायदा ओसामा बिन लेडन होर पैदा ना हो जो अमेरिका नू फेर टारगेट कर सकते हैं विदाउट पाकिस्तानी आर्मीज। इहदा मतलब विक्रमजीत अमरीका पाकिस्तान ते रिलाय कर रहा है? नहीं, बिल्कुल रिलाय कर रहा है, क्योंकि आई विल कम टू दिस पॉइंट। सो अमेरिका दे ए दो मेन रीजनज ने फॉर अपीजिंग पाकिस्तान। एज फार एज मोदी साहब इज कंसर्न ट्रंप नू पता है कि अगर मोदी ते ए एलीगेशन ला दिंदा है कि यू वॉन्ट मीडिएशन फ्रॉम अमेरिका, ये मोदी साहब की जिहड़ी नैशनल सिक्योरिटी और नैशनल इंटैग्रिटी की जिहड़ी इन्होंने पोलिटिकल इमेज बनाई है इंडिया विच उत्ते डेंट पैंदा है, पोलिटिकली मोदी साहब नूं हर्ट कर गई है गल, चाहे ये प्रूव कर सको जां ना प्रूव कर सको, ओपोजिशन नूं एक बड़ा वधिया मौका मिल गया, ऑपरचुनिटी मिल गई है टू टारगेट मोदी, ठीक है जी। सो ट्रंप इफ यू नोटिस जिथे उन्होंने कहा मैं 20 दिन पहला मोदी साहब नाल मेरी मीटिंग हुई, वह मीटिंग कित्थे हुई? जापान विच ओसाका विच G20 समिट विच। G20 समिट तो तुरंत पहला ट्रंप ने एक बड़ा स्ट्रोंग ट्वीट इंडिया के खिलाफ ट्रेड के उपर किया, इफ यू रिमेंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सी ऑन ट्रेड, सो वो शो कर रहा है कि ट्रंप इंडिया नाल कुछ के हद तक इरीटेटड है ओवर ट्रेड इशूज, फॉर एग्जाम्पल के इंडिया शुड मूव अगेंस्ट चाइना एंड जॉइन द क्वाड मिलिट्री अलायंस, ही वॉन्ट्स इंडिया टू बी अ स्ट्रोंग मिलिट्री पार्टनर इन द इंडो पैसिफिक विच इंडिया इज नॉट ओबलाइजिंग, ठीक है। सो ट्रंप के ये वेरियस जो रीजनज ने ए रीजनस कैलकुलेटेड ट्रांजैक्शनल रीजन, ये सब दे नाल विक्रम जी एक सवाल है जो तुम कह रहे हो कैलकुलेटेड है सारा कुछ, सवाल यह है हाफिज़ सईद नू ग्लोबल टैररिस्ट अलाना वो भी इस दे नाल कैलकुलेशन दे विच शामिल है या नहीं? बिल्कुल सही तुहाडी गल, तुसी कम नाउ टू द सेंट्रल पॉइंट। जब हाफिज़ सईद नू अरैसट किया पाकिस्तान ने लास्ट वीक बड़ा रौला पै गया, अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट और ट्रंप ने वेलकम किया, ट्रंप ने कहा मेरे कारण ही 10 साल की सर्च बाद हफीज़ सईद अरैसट होया। US स्टेट डिपार्टमेंट जिहड़ा दुनिया का बड़ा वड्डा फॉरन मिनिस्ट्री सब तो पावरफुल है, उन्हें कहा असी बड़े खुश हाँ कि हफीज़ सईद अरैसट होया, लेकिन इंडिया की पैरल स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की यह सी
कि हफीज सईद का अरैसट इज़ अ कॉस्मैटिक मेजर बिकॉज ये तो पहला हफीज सईद 8 बारी अरैसट होकर रिलीज होया क्योंकि पाकिस्तान का दिल नहीं है अभिनंदन वाले मामले भी है अभिनंदन उन्होंने क्लेम किया क्रेडिट ठीक है सो इट शोज दैट अमेरिका इज प्लेइंग अ डबल गेम ठीक ठीक है मैं वापस आऊँगा पुलर साहब जोड़े राष्ट्रवाद वाला एजेंडा है उस सट बजी है नहीं कोई सट बजन वाली गल नहीं है जी मैं एक गल चल राष्ट्रवाद एजेंडे कोई खतरा तो नहीं कोई खतरा नहीं पैदा अच्छा एक सवाल का जवाब दो पुलर साहब विक्रमजीत सवाल का जवाब दे दो दे दियो पुलर साहब मेरे सवाल का जवाब दो ट्रंप ने गलत किया देखो उन्हें किस तरीके कितने इस चीज़ को यूज़ करने लिए उन्हें एक गलबात गल कहती है ये तो आने वाले दिनों पता लगेगा भी की ट्रंप साहब झूठे है ट्रंप ने झूठ बोलिया ट्रंप का महा झूठ बेनकाब मेरा सवाल बड़ा सिंपल बीजेपी है ट्रंप झूठे है ट्रंप ने झूठ बोलिया एज पर जी स्टेटमेंट आई है साढ़े मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है अकॉर्डिंगली उन्होंने गलत ही किया उन्होंने झूठ बोलिया कोई सच वाली गल नहीं है झूठ बोलिया उन्होंने बिल्कुल झूठ ही है इस कोई सच नहीं है दूजी जी गल मैं तुम्हें कहना चाहना एक्चुअल जी ट्रंप ने ट्रेड्स नूं लैके गल कीती सी जो ईरान के उत्ते उन्हें प्रैशर बिल्ड करना शुरू किया और मोदी जी ने क्लीयर कट यह कि मैं ईरान के नाल खड़ा है असी उन्हें हैल्प करांगे तुहाडे नाल नहीं हैगे उस गल उत्ते गल आई सी जिहड़ी ट्रेड के उत्ते चलो ठीक है ट्रेड और उस गल तो कितना कितने अमेरिका जिहड़ा हैगा इरिटेटेड हैगा इस गल आई थिंक वी नीड टू बी वेरी क्लीयर अबाउट वन थिंग फर्स्टली दैट मोदी जी हैज स्टोर्ड अमेरिकाज लाइन कंप्लीटली ऑन ईरान We have cut down oil imports almost to zero. On the Chabahar port, which is India, which is a massive investment, that is also Iran, that is also India. Bahut nara. So I think India has stored the line completely. But the point is, central to the discussion is, that this Modi and Trump de vich relationship is built. Look, Modi is going to September in the US. His scheduled visit. It's very important that Modi has a good meeting with Trump. अगर अज मोदी साहब ट्रंप नूं झूठा बोन लग जाएंगे ओपनली तो उन्होंने बड़ी विशिएट हो जाएगी मीटिंग सो दैट्स वन वेरी बिग इंटरेस्ट दूजा बीजेपी विच और मोदी साहब के जोड़े खास इनर सर्कल है लाइक राम माधव अजीत डोवल दी आरएसएस जयशंकर ये सारे बहुत प्रो यूएस टिल्ट दे बंदे है जो मोदी और एनडीए गवर्नमेंट नूं पूरी यूएस की तरफ टिल्ट करन दी कोशिश कर रहे हैं सो अज टिल्ट करनू मैं किवें समझा रिश्ते मजबूत करने की कोशिश है जा अमरीका दे सामने भारत नूं चुकाउण दी कोशिश है अमेरिका अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर एंड दैट मीन्स समवेयर ऑर द अदर टर्न मोर एग्रेसिवली एंटी चाइना ओके ठीक ठीक है हाँ जी जी जैसे कह रहे सारे कि ये तो ऐसे लग रहा है कि हम ट्रंप को खुश कर रहे हैं ट्रंप को खुश करने के लिए थोड़ी लोग मरेंगे यहाँ पे हम एक बात अमेरिका अपनी फौजें निकाल रहा है वहाँ से ताकि वहाँ हालात ठीक रहे और हम यहाँ पे इंडिया अपनी फौजें भेज रहा है कश्मीर में ताकि और वायलेंस हो और क्राइसिस वहाँ भी चाहे लोकल मरे तुसी कश्मीर नूं भारत नालों वक्ख करके क्यों देखना चाहते हो फिर अभी फिर देखिए ना ये फलस्तीन जैसी सिचुएशन करके क्यों देख रहे हो वक्ख इसलिए कर रहे यहाँ तुहानूं भारत वालों सहूलतां नहीं मिलदियां बिल्कुल नहीं मिलती कुछ नहीं मिलता तो क्या नहीं मिल रहा है आप झूठ तो मत बोलिए यहाँ यहाँ कौन सी आप झूठ तो मत बोलिए यहाँ का डेमोक्रेसी का आप जिस खुदा को मानते हैं उसको हाजिर हाजिर के मान के बोलिए हम भी मानते हैं ना है। सबसे सस्ता दाल आपको मिलती है सबसे ज्यादा चावल सस्ते मिलते हैं सब्सिडी में सब कुछ मिलता है आपको आप यहाँ पे सब्सिडी में पढ़ रहे हैं आप लोग ठीक है ना नहीं पढ़ रहे बिल्कुल पढ़ रहे हैं आप यूनिवर्सिटियों में आपको पैसा दिया जा रहा है स्कॉलरशिप आपको दिया जा रही है झूठ तो मत बोलो कुछ तो डरो नहीं खुदा से मैं पहले रिक्वेस्ट की थी जाएगा आप ये बोल नहीं पाओगे जो बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ के डेमोक्रेसी ये बोलने का हक नहीं रहेगा आपको स्टेटमेंट प्लीज जो डेमोक्रेसी इंडिया में है वो कश्मीर में भी नहीं बोल सकते हो नहीं नहीं यही बोल सकते हो हिंदुस्तान में बैठ के बोल सकते हो जुल्म होगा आज आगे पाकिस्तान में बोल के देखो मिस्टर फहीम मिस्टर फहीम जुल्म के खिलाफ मिस्टर फहीम गलत बात मत करो यहाँ पे बैठ के मिस्टर फहीम एक मिनट सवाल का जवाब दे दो हिंदुस्तान का खा के हिंदुस्तान का पी के हिंदुस्तान का गालियां निकाल के हिंदुस्तान हमारे साथ भी क्या कर रहा है क्या कर रहा है आपके हथियार उठाओगे तो मारेगा हर दिन मार हथियार उठाओगे तो मारेगा उठोगे उठा रहा है हिंदू मुसलमान कर रहे हैं एक मिनट आपको हक दिया गया धर्म की सियासत ना पाओ हिंदू मुसलमान सियासत इस मंच तो नहीं चाहिए फहीम मैम एक सवाल का जवाब दो फहीम भारत के अमरीका रिश्ते तुहानूं पसंद नहीं
जी रिश्ते होते तब जब हर कोई इसमें मुतफिक होता है, हर एक की राय होती कि हाँ अच्छा हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है कि अमरीका नाल भारत के रिश्तों से तुहानू की फर्क पै रहा है। अगर अच्छे हालात होंगे, अगर हमारे यहाँ अगर कश्मीर का सोल्यूशन अच्छा निकल रहा है तो बेटर है, लेकिन क्या हो रहा है वो उसको एक बैटल ग्राउंड बना रहे अपने जाती फायदों के लिए। ठीक है प्रसमजीत सिंह, ये कह रहे बैटल ग्राउंड बनाया जा रहा है कश्मीर में, तुसी इहदा की जवाब दोगे? देखो इहदे च ते कोई दो राय नहीं है कि जो कश्मीर दी अज हालात है जिवें फहीम कह रहे हैं काफी दर्दनाक हैगी है, उत्थे पैलेट गन्स वगैरह जां होर सारा कुछ होया, जानवरों पे यूज होता बहुत बहुत, हाँ वो बहुत रौला पैण तो बाद फिर वो थोड़ा जिहा बंद होया। पर तुसी लोकां नूं देखो, जे असी रूल करना, रूलर दा हमेशा यह हुंदा कि वो बंदूकां दे शायद दे थले कोई देशभगती नहीं जाग सकती, वो तो लोगों के दिल जितण नाल ही होगी। इसलिए जरूरी है कि कोई एहो जिहा राजनीतिक प्योंतड़े उत्थे निकल, ना कि ठीक है टैंपरेरीली तुसी पंजाब दे अंदर भी बथेरा पुलिस ने किया होर किया उत्थे, पर लोगों नूं मार के जां उस तरह तुसी उन्हां नूं किस तरह नाल रख लोगे? तुसी ये दे अगे दबा के किसी नूं भी तुसी रख सकते, तकड़ा बंदा किसी नूं भी रख सकता, वह स्लेव के तौर पर जबरदस्ती तो रख सकता पर दिल नहीं जित सकता। जे दिल नहीं जितते जाएंगे तो उत्थे हालात इहो जिहे बने रहेंगे, एक तो यह गल। दूजी गल जिहड़ा मुद्दा सी कि सिंह जी जिहड़ा छेड़िया आ वह ट्रंप की इलैक्शन तो है ही है, उन्होंने तुहानूं याद होना कि उन्होंने वादा किया सीगा कि मैं जिहड़ी ऐसे टन्योर दे खत्म होने तो पहला पहला सारे फौजी जिहड़े अफगानिस्तान तो कढ लूंगे। हुण ये जिम्मेवारी वो सारी है, ठीक कह रहे विक्रम जी कि इन्हां नूं दे के पाकिस्तान नूं जिम्मेवारी दे के आप उत्थों भजना चाहुंदे आ, और सारे दी सारी हालात भावें इन्हां दे अंदरूनी अत्तवादी हैगे पाकिस्तान दे, भावें वह तालिबान उत्थे पैदा किए आ, पैदा वह खुद भूत पैदा करके चले गए, हुण वह इन्हां दे जिम्मे छड्ड के टैररिज्म दे खिलाफ जिहड़ी गल अमरीका करदा, अमरीका उस नूं कमजोर तां नहीं कर रहा? किस तरह किस तरह टैररिज्म के खिलाफ जी अमरीका गल करता है, कि अमरीका उस लड़ाई में कमजोर तो नहीं कर रहा गल कह के अफगानिस्तान तो आपके फौजी लेके जाने हैं, पाकिस्तान से भरोसा जिता है, क्योंकि इंडिया बार बार कहता कि पाकिस्तान से विश्वास नहीं कर सकते। उन्होंने दुनिया को अग लग रही कि नहीं लग रही कोई कंसर्न नहीं है, कमजोर तो नहीं हो रहा बिल्कुल पाकिस्तान का टैररिज्म का मुद्दा कमजोर तो नहीं हो रहा ये सब चीज़ें? नहीं नहीं देखो मेरा ख्याल है कि जे वो पिछे हटूगा तो कुदरती जो अपना बिल्कुल इंटरेस्ट छड़ूगा तो जे जिन्होंने उत्थे इन्होंने खेती वड्डे पद्धर दे उत्ते ओपीएम दी कारण ला दिता आ वो तो खुल मचाउणगे, इहदे च ठीक है उन्होंने इस वेले अफगानिस्तान की घट्टो घट हालत यह है कि वह आप अपने सारे लोगों रूल करने के काबिल नहीं, उन्होंने कोई ना कोई ताकत चाहिए, हो सकता बाहरों फिर कोई ना कोई ताकत उत्थे जाके उन्हों की मदद के नाँ के उत्ते उत्थे जाके बैठ जाए, ये तो एक दिक्कत आऊगी आऊगी। मैनू नहीं लगता कि पाकिस्तान जिहड़ा आ वह सारिया चीज़ों उत्थे कमांड करके सामभ सकता, पर वह अपने अपनी इलैक्शन जितने लिए अपने गलों सारी बला ला के हुण इन्हां दे जिस तरह हुंदा ना किसी के पिछे थोप देनी, किसी के पिछे चिपका देनी भज्जे जाने दे वह इमरान के सिर पर रख के आप अपनी इलैक्शन ली कि देखो मैं तो सारे फौजी लै आ, सारे अमेरिकन जेडे वाइट सके सिर्फ तो सिर्फ एजेंडा यह आ कि जेडे अमेरिकन उत्थे वाइट सारे है मैं मैसेज दें, जब वियतनाम की वार में होया जो तो प्रोटेस्ट उत्थे चले सी तो वड्डे पद्धर से फिर सारे वापस गए थे वोट बैंक पॉलिटिक्स नजर बिल्कुल। एक छोटा ब्रेक लें, ब्रेक तो वापस आवेंगे। पाकिस्तान को मदद चाहिए है, पाकिस्तान के माली हालात ठीक नहीं है, कि इस सब का भी एक वड्डा मुद्दा है। इस सब के विचाले भारत अफगानिस्तान प्रति अपनी नीति की रखेगा, पाकिस्तान प्रति नीति की रखेगा, कश्मीर बारे नीति की रखेगा, अमरीका बारे की नीति रखेगा, तो चाइना बारे की नीति रखी जाएगी? बहुत सारे सवाल है, ब्रेक तो वापस आगे पूछने जरूर है। वड्डा सवाल एक पूछ रहे हैं, अमरीकी राष्ट्रपति के कश्मीर वाले ट्रंप कार्ड से टारगेट की है? हाँ जी बोलो सर, की कहना चाह रहे हैं? इस तरह की जरा प्रोफेसर साहब ने कहा भी उतों भी अगर निकलते हैं अफगानिस्तान तो जाता है कोई तीसरी जी धीर है उत्थे आके बैठ सकती है। देखो ये बेनीफिट जो मिलना है कल वो चाइना मिलना है, चाइना उस एरिए उस खिते एक एंट्री मिल जूगी जित जी पाकिस्तान तो अगे वधन की होगी, और कभी भी अमेरिका नहीं चाहेगा भी वो कोई जगह छड़े जिदे चाइना ज दूसरा कोई आके एंटर करे। ठीक ठीक विक्रम जी, तुसी इस टिप्पणी दे नाल इत्तफाक रखते हो? आई थिंक इट इज़ अ बिट ऑफ अ सिंपलिस्टिक व्यू ऑन दिस एंटायर जियोपॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया एंड अफगानिस्तान। ट्रंप इज़ वेरी क्लियर, ही वॉन्ट्स आउट ऑफ अफगानिस्तान। Who comes into that vacuum, he is not that much concerned as ke jede terrorism Afghanistan or Pakistan which fountainhead utthe ban ke baitha oh curb hoye kyunki kal utthon fair forces uth sakke America nu target kar sakdiyan, West nu target kar sakdiyan. China is has a very big plan for Afghanistan. China ne CPEC Gwadar de through plan kar rahe ne, but if you notice one thing, ye jehdi Pakistan move America naal aa rahi hai ede vich ek
अंडर करंट ये भी है कि पाकिस्तान आर्मी अज अमेरिका दे वापस गुड बुक्स विच आन दी कोशिश कर रही है और क्योंकि जी पाकिस्तान डेलीगेशन थोड़ा ऐड ऑन कर लवा हाँ ये इमरान खान का प्लान है या पाकिस्तान आर्मी का नो इट इज पाकिस्तानी आर्मी इज़ अ स्ट्रैटेजिस्ट इमरान इज़ द पब्लिक फेस सो इमरान जब वाशिंगटन जाते हैं वो एक अंबैसडर के घर रहते हैं मैं होटल विच नहीं रहूँगा मैं पाकिस्तान के खर्चे नहीं करा सो एक पब्लिक इमेज बनाई उन्होंने पब्लिक कंजम्पशन एक इमेज ये भी बनती पी सी उत्थे अमरीका दे विच ओहो जिहा स्वागत नहीं होया नहीं स्वागत नहीं होया सिंपल रहे और दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ एक सीगा कि मैं पाकिस्तान कम्यूनिटी इन अमेरिका नू एड्रेस करांगा ठीक है बट जिहड़ी रियल ट्रांजैक्शनज होनी है वह करेगी पाकिस्तानी आर्मी एंड द आई एस आई चीफ जो दोनों वाशिंगटन विच ट्रंप नाल गए ने हुण वट डज पाकिस्तान आर्मी एंड आई एस आई नीड फ्रॉम अमेरिका फर्स्टली जिहड़ी मिलिट्री एड US ने जीरो करती है दे वॉन्ट रेस्टोरेशन और ट्रंप ने इंडीकेट किया कि अगर पाकिस्तान साड़ी हेल्प करती है टू एक्सट्रिकेट अस फ्रॉम अफगानिस्तान वी कैन रीकनसिडर उसके बाद की चाहता है कि US हेल्प करे इंटरनेशनल लोन्स जोड़े इन्हों मिलने और ऑलरेडी तुम देखो कि IMF ने $6 billion पाकिस्तान को देते हैं वो एग्रीमेंट हो गई दैन वॉट डज पाकिस्तान वॉन्ट आर्मी फ्रॉम US इट वॉन्ट्स के इन्हों के जो होर इंटरनेशनल सैंक्शन जो पाकिस्तान से प्लैन हो रहे हैं लाइक FATF ब्लैकलिस्टिंग की जी प्रोसेस वो US अवर्ट करे US उन्होंने यू नो न्यूट्रलाइज कर दे दैन जी पाकिस्तानी आर्मी और सब की ट्रेनिंग होंगी इन द US यू सी दे हैव रेगुलर एक्सचेंज प्रोग्राम्स विच आर अगेन अंडर थ्रेड दे वॉन्ट अगेन दोज टू बी रिज्यूम्ड सो ये जी पाकिस्तानी आर्मी की टैक्टिकल एडजस्टमेंट एट द मोमेंट यह हो रही है कि ये जरा CPEC कोरिडोर गवाडर के थ्रू जा रहा है वो प्रोस्पैक्ट थोड़े डिम हो रहे हैं सो एट द सेम टाइम पाकिस्तान आर्मी वॉन्ट्स टू अगेन कम बैक इन टू वॉट इज़ कॉल्ड द अमेरिकन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस दे डोंट वॉन्ट अमेरिका टू गो अगेंस्ट दम बिकॉज ऑफ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी एट द सेम टाइम दे वॉन्ट के अमेरिका हेल्प करे टू रिज्यूम डायलॉग विद इंडिया और जरा प्रेशर इंडिया तो आ रहा है रिड्यूस कर मैंने थोड़ा थोड़ा एक सवाल जवाब दो एक नो एक गल एक गल नोटिस करो कि US स्टेट डिपार्टमेंट हैज कंसिस्टेंटली दो तीन स्टेटमेंट्स आई ने वेलकमिंग द करतारपुर इनिशिएटिव आई है स्टेटमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ने US स्टेट डिपार्टमेंट दे सो दैट मीनस दे आर से वो कह रहे हैं कि वी वेलकम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हुण गल आंदी है अमेरिका की स्टेटमेंट हैगी है करतारपुर लांघे ते इस स्टेटमेंट के नाल इंडिया बार बार ये कह रहा है कि जो तिकर पाकिस्तान अतवाद नहीं खत्म करेगा असी गलबात नहीं करांगे अमेरिका की स्टेटमेंट तो इंडिया की स्टेटमेंट वे दोनों में डिफरेंस है फिर नहीं अमेरिका इसको पीस कोरीडोर समझ रहा है नाल अमेरिका इन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट समझ रहा इंडिया भी कह रहा है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है पर असी गलबात नहीं करेंगे दोनों एक सेम पेज पे है सेम पेज ओनली लिमिटेड टू दी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ओके हाँ बट बियॉन्ड दैट अमेरिका वॉन्ट्स टॉक्स विद पाकिस्तान बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिया सेज नो सो पाकिस्तानी आर्मी जी बहुत अंडर प्रेशर एट द मोमेंट उन्होंने काफ़ी स्क्वीज टाइट है दे वॉन्ट के इंडिया नाल डायलॉग होए की होएगा कि जिहड़ा इंडिया का प्रेशर ऑन पाकिस्तान थ्रू फाइनैशियल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड देखो नॉट जस्ट US फ्रांस बहुत प्रेशर पा रहा है पाकिस्तान से UK पा रहा है ऑन टेररिज्म सो वो प्रेशर हटेगा अगर इंडिया और पाकिस्तान का डायलॉग रिज्यूम होंगे ठीक है टेररिज्म का एजेंडा जरा खत्म तो नहीं हो जूगा ना नहीं टेररिज्म का एजेंडा तो इसलिए हिट होएगा क्योंकि US तालिबान नू एक लेजिटमसी दे रहा आफ्टर ऑल तालिबान इज कंसिडर्ड बाय इंडिया एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक और सवाल का जवाब दे दो इंडिया की अफगानिस्तान प्रति नीति की रोक देखो इंडिया इज ऑन अ बैकफुट ऑन अफगानिस्तान तुसी देखो हुने जड़ा डायलॉग होया बीजिंग विच रशिया चाइना अमेरिका एंड पाकिस्तान टॉक्ड अबाउट इट दे अराइव्ड एट एन एग्रीमेंट तीनों मेजर कंट्रीज नेशनज ने पाकिस्तान नू थापी दी कि तुसी साडा फैसिलिटेट किया डायलॉग विद तालिबान अज अमेरिका नू सब तो वड्डी जरूरत की अफगानिस्तान विच है कि तालिबान जिहड़े अटैक्स कर रहे हैं ऑन अफगानिस्तान सिविलियंस एंड मिलिट्री वो खत्म हो क्योंकि पूरे दुनिया में बड़ी बैड इमेज आ रही है अमेरिका की कि अमेरिका इज बेगिंग फॉर पीस विद द तालिबान एंड तालिबान इज हिटिंग बैक विद बॉम्ब्स एंड ग्रेनेड्स ठीक है हाँ जी मैं समझी सर मेरा कहना है कि एक देखो ये तो ठीक है गल विक्रम जी की कि वो चाहता है इमरान खान भी कि बार बार ये इंप्रैशन देन दा कि असी जिहड़े साडे अतवादी है जां किसी किस्म दे मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट है असी उन्हां नूं कंटेन कर रहे हैं असी उन्हां नूं कर रहे इहदा मैसेज जिहड़ा चंगा अमरीका जांदा उह उत्थे उहदा इस्तेमाल करदा दूसरा वो ये चाहुंदा है बिल्कुल ये ठीक है ये भी गल कि पाकिस्तान की आर्मी का जे कश्मीर जां हिंदुस्तान वल्लों
ध्यान घटूगा तो उही जी ताकत है अफगानिस्तान किसी ना किसी तरीके शांति मेनटेन कर उतों के जोड़े कोई तालिबान है उन्होंने जो कंटेन करना पे तो वो उधर ज़्यादा फोकस कर इस किस्म का हालात यह है कि ISI जो इमरान खान ने उत्थे जाके कहा कि जो लादेन फड़िया गया ISI ने जी अपनी इनफॉरमेशन CIA नाल सांझी की थी मतलब की निकलता है यदा मतलब तो वो साफ है कि असी जिस तरह यहोजी कोई भी जोड़े आतंकी उत्थे है इस्लामिक आतंकी असी उन्होंने सख्त विरोधी हाँ तो असी तो पहला तो ही विरोध से असी तो पहला ही अमरीका के नाल है। एक गल जरूर मैनू लगती है कि इन हालातों ये गल भी सब जग जा रहा कि उन्होंने आर्थिक जी अर्थव्यवस्था बड़ी डामाडोल है वो अपना संबोलिकली इस मुलाकात विचाले पैसा ते पॉलिटिक्स दोनों कम कर रहे बिल्कुल। और पर मैं एक गल जी तुसी पहली गल कही सी उहदे ते मैं जरूर क्लैरिफिकेशन देनी चाहुंदा आ क्योंकि जिहड़ा डायरैक्टर हैगा सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च उहने कल लंबी इंटरव्यू टीवियां ते दे के दस्सिया कि जिहड़ी इह इत्थे प्रोपेगेंडा कीता जा रिहा कि उहनूं पुछिया किसे नहीं जिवें कोई अनाथ आया होवे जिवें कोई शरणार्थी इमरान खान उत्थे अमरीका च पहुंचिया होवे तो उहनूं किसे ने उत्थे स्वागत नहीं कीता कोई कार नहीं आई कोई ये सब की था सब एवें एक प्रोपेगेंडा बिल्कुल प्रोपेगेंडा उन्हें की दस्या जी इंपोर्टेंट गल आ चार किस्म दियां विजिट होंदियां आ एक स्टेट गैस्ट हुंदा एक ऑफिशियल विजिट हुंदी आ एक सैमी ऑफिशियल हुंदी आ एक वर्किंग विजिट हुंदी ये चौथी किस्म की जी सब तो लो लैवल की वर्किंग विजिट है वो इंज ही हुंदी आ स्टेट टू स्टेट इमरान खान नूं ओहो जिही वेलकम मिल रहा जो मिलना चाहिए सी जो बिल्कुल बनता सीगा एज ए प्रोटोकॉल एज ए पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल। हां मैं ब्रेक लेनी ब्रेक जाने तो पहले हाँ जी बोलो जी जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ तालिबान का जो सीन है मतलब तालिबान वहाँ लड़ रहे हैं इनके साथ इसका यही लग रहा है क्योंकि ट्रंप को तो अब चाहिए वो अब उनको निकालेगा जिनके वो अमेरिकन फोर्सेस के साथ लड़ रही है इसके बाद उनका मुंह कहाँ को करेगा क्योंकि अगर वो वहीं पे रही फिर तो वहाँ रखना ही पड़ेगा और इसलिए अब वो इन दोनों को मीडिएट करके ताकि वो किसी न किसी तरीके से जो तालिबान वहाँ पहले भी आया था कि इट विल मूव फ्रॉम द अफगानिस्तान टुवर्ड्स द कन्फ्लिक्ट जोन और एशिया में अभी हम देखें तो कन्फ्लिक्ट जोन कश्मीर है तो कश्मीर के हालात बिगाड़ के अपने पोलिटिकल बेनिफिट्स के लिए तो दोनों कंट्री यूज हालात बिगाड़ने की कोशिश की थी जी बिल्कुल साफ बहुत अहम सवाल है बड़ा सवाल है। ब्रेक तो बाद वापस आके पूछना जरूर है कश्मीर के बारे दोनों मुल्कों की भारत पाकिस्तान की जिहड़ी नीति है की है उस बारे अमरीका किस तरीके सोचता है ये परदे पिछे की पॉलिटिक्स है की है उसनों समझना भी जरूरी है। ब्रेक तो वापस आके कोशिश करा कि इस संजीदे चर्चा होर अगर बताया जाए सवाल एक पूछ रहे बड़ा सवाल असं पूछ रहे हैं अमरीकी राष्ट्रपति कश्मीर वाले ट्रंप कार्ड के टारगेट की है विक्रमजीत बहुत संखेप के जवाब चाहिए मैं थोड़े से ये कहते कन्फलिक्ट जोन है जो कश्मीर हैगा तो तालिबान तमो कश्मीर वाल हो जाएगा फहीम उद्दीन उद्देदार ने कहा है। ये देखो कश्मीर दी रेजोल्यूशन इज परहैप्स सेंट्रल टू पीस इन साउथ एशिया बिकॉज इंडिया पाकिस्तान की जी जड़ है लड़ाई की ये कश्मीर ते कितें ना कितें आके वापस मुड़ती है और पाकिस्तान ये वर्ल्ड ओपीनियन विच ये आर्गूमेंट बड़ी सक्सेसफुली सेल कर रहा हूँ कि जब तक तुसी कश्मीर नूं रिजॉल्व नहीं करोगे साउथ एशिया और अफगानिस्तान भी रिजॉल्व नहीं होएगा दे इवन टाइड अप विद अफगानिस्तान कि अफगानिस्तान सो आई थिंक ये कॉन्फ्लिक्ट जोन जिहड़ा कश्मीर है इहदी रेजोल्यूशन सानू बिल्कुल चाहिए है और मैनू जो शक है कि NDA गवर्नमेंट कश्मीर नू रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है थ्रू इट्स ओन वेज वैदर हार्ड पावर और उन्हां दी अपनी पॉलिसी है विच वी कैन डिसएग्री विद ठीक है उन्हां दी और उहदे लई अगर ये कश्मीर नू ठंडा करना चाहते हैं और दुनिया नू कहिंदा इंडिया नू दसना चाहते कि असीं कश्मीर सॉल्व कर लिया उहदे लई तुहानू वर्ल्ड पावर दी किते ना किते आर्बिट्रेशन या मीडिएशन या गारंटी चाहिए होगी बिहाइंड द सीन्स कि पाकिस्तान की बांह फड़ लै कि हुण तुसी होर कोई हरकत नहीं करनी और ये US कैन प्ले अ वेरी इंपोर्टेंट तुसी विक्रम जी ते कहना चाह रहे हो मैं सुख शब्दों में समझ चाहना अमरीका पाकिस्तान समझा रहा है इंडिया कश्मीर नीति आपके तरीके चला रहा है उस सब दे विच सुपर पावर अमरीका का विश्वास चाहिए भरोसा चाहिए उस भरोसे कायम करने दे विच इंडिया सफल हो रहा तुसी ये कह रहे हो सफल हो रहा कोशिश भी कर रहा और आई थिंक कितने ना कितने दीज रिमार्क्स मस्ट हैव बीन पास्ड ऑन कि अमेरिका दी गारंटी कि अमेरिका पाकिस्तान नू बन के रख ले क्योंकि तुसी देखो जब भी डायलॉग शुरू होंदा है पाकिस्तान कोई ना कोई हरकत कर देंदा है उन्हां दी डीप स्टेट उन्हां दी ISI कोई हरकत कर देंदा है सो पाकिस्तान नू कंट्रोल करना कि वह रेजोल्यूशन करे और पीसफुली हो जाए उहदे लई गारंटी मेजर पावर्स दी चाहिए क्योंकि इंडिया कैनॉट कंट्रोल द पाकिस्तानी जिहादीज ठीक है ना इट्स बियॉन्ड इंडियाज कंट्रोल अगर वो चाहन तो पाकिस्तान जिहादी एक बड़ा इंसीडेंट कर दें तो फिर डायलॉग विल कोलैप्स ठीक ठीक है फहीम
जी जैसे कि विक्रमजीत जी कह रहे हैं कि ऐसे थोड़ी होगा, पॉलिसीज कब से बनाई जा रही, आज तक कोई पॉलिसी से बेनिफिट हो गया? ऐसे हम थोड़ी कह सकते हैं कि हम उन दोनों को मतलब अमेरिका को सेव करने के लिए वो फिर कश्मीर सफर कर रहा है, ये तो कब से हो रहा है। कोई ऐसा एग्जाम्पल कीजिए ना सेट। अब तो फिर से आपकी गवर्नमेंट आई है, बीजेपी वाली गवर्नमेंट जो अब फिर से आई है मोदी जी की, अब तो वो कोई सोल्यूशन दे देना। अभी तक कह रहे कश्मीर में ये करेंगे ये करेंगे, अभी तक किया क्या? बस अब लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाने से तो लिंचिंग से थोड़ी होगा कोई हल। हल होगा जब तक हम कोई टेबल पे बात ना रखे, कोई डायलॉग प्रोसेस हो ना। टेबल पे कौन गाल करना चाहता है? टेबल तो पे दोनों को आना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान एंड कश्मीर। कश्मीर के जो वहां उनको ले आइए आगे, उनको तो आप एसाइड कर रहे, जब तक उनके साथ बात नहीं करेंगे पाकिस्तान और इंडिया अपने अमेरिका नहीं चाहिए, इंडिया पाकिस्तान ते कश्मीर खित्ते दे लोग चाहिए। हाँ, हमें क्या करना है? अमेरिका ने आज तक किसका सगा रख रहा है अमेरिका? देखो मैंने इन्हां दी गल ते ना हासा आउंदा है कि असी कोई ऑक्यूपाइड जिहड़ा कश्मीर हैगा उधरले पासे उन्हां दे लोकां नाल गल नहीं कर रहे, जदी सानूं पाकिस्तान नाल गल करन दी लोड़ है कश्मीर दी। कश्मीर हिंदुस्तान दा हिस्सा है, इस नूं एक्सेप्ट कर लैन। और दोनों तरफ से जो पाकिस्तान वाह पाकिस्तान वाह पाकिस्तान दोनों तरफ वाह पाकिस्तान, क्यों पाकिस्तान नाल गल करिए असी? कश्मीर कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, इस चीज़ बन के चलन, अगर इन्होंने मंजूर नहीं है जब तक बात नहीं होगी तब तक हालात नहीं सुधर सकते। कश्मीर दे पाकिस्तान दे झंडे नहीं चुलन देंगे ना, ऐसे तो ये दिमाग चो कर दो तुसी। कश्मीर में ना पाकिस्तान है, कश्मीर दे कश्मीर दे पाकिस्तान दे नारे नहीं लगन देंगे, इस चीज़ दिमाग चो कर दो तुसी। एक मिनट, ऐसे थोड़ी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दी गलबात तुसी क्यों चाहते हो जी? बिल्कुल तुसी आपदी गल करो ना, तुसी आपदी गल करो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, उनके पास भी एक हिस्सा है, इनके पास भी। जब तक दोनों सामने नहीं आएंगे तब तक कोई रिजल्ट नहीं आ सकता, दोनों को एक टेबल पे आनी चाहिए तब तक बात होगी। बिल्कुल साफ गल आ, इहदे च तीन धिरां लाजमी आ, कश्मीरी जिन्हां दा मसला आ और दोवें देश जिन्हां ने कश्मीर नूं वंडिया होया। कश्मीरी साडे वाले कश्मीरी ते उत्थे कश्मीरी उन्हां नूं गाणा कढ के बिलकुल। देखो कश्मीरियां दी इक कश्मीरीयत आ, इक इतिहास आ, उन्हां नूं जबरदस्ती वंड दित्ता गया जिवें दोवां पंजाबां नूं वंडिया। तुसीं जे उन्हां बारे फैसला लैणा, उह कोई स्लेव थोड़ी आ किन्ने किन्ने वंड लैणा, किन्ने किन्ने वंड लैणा। उन्हां नूं बिलकुल बिलकुल विश्वास विच लै के उन्हां च भी चंगे तो चंगे बंदे हैगे जिहड़ी गल करनी चाहुंदे आ। साडी सरकार तीन धिरी इह गलबात होवे, इह नहीं होवे कि दो धिरां तीजे नूं तुसीं विच जिवें कोई पंजाब जिहड़ा पंजाबी स्लेव सीगे छड़ दो माड़ी गल आ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦਾ ਕੋਲ ਆ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਗਿਲਗਿਟ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਹੀ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਹ ਧਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਕੀਆ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਕਰਮਜੀਤ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਟਰੰਪ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਔਨ ਇਰਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, there is almost a conflict situation emerging in the Persian Gulf. Kal is halat Iran aur hor bigad dende ne, Trump will need Pakistan again. You see, very importantly Pakistan will play a major role in a Iran US conflagration, so they will come back to ek sawal hor vi hai Vikram ji, ek sawal hai, main ek minute man, I'll just add one point ke India di jehdi Afghanistan vich situation hai oh bahut sensitive aur weaken ho rahi hai, aur dooja India da jehda corridor through Chabahar to Afghanistan and Central Asia oh bhi weaken ho rahi hai. We have to be very very careful now ke jehdi geostrategic game America di neeti de vichale Bharat diyan neetiyan Bharat da jehda pakh hai ga kamzor ho chuka, bilkul ho rahi hai, bilkul ho rahi hai. Is bare koi tippni kyon nahi karda paya, is bare koi zikr kyon nahi ho raha, kyunki ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਥੌਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੋਲਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਯੂਐਸ ਪ੍ਰੋ ਯੂਐਸ ਪ੍ਰੋ ਯੂਐਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਬੀਂਗ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਯੂਐਸ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੂਐਸ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਅ ਡਬਲ ਗੇਮ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਫਾਲਿੰਗ ਇਨ ਟੂ ਦ ਟ੍ਰੈਪ। ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਜੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਯੂਐਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ
इज के मोदी साहब शुड गेट अप एंड से के ट्रंप ने झूठ बोलिया कश्मीर उपर ठोक के कहना चाहिए बल्लर साहब सारे एक गल कह रहे हैं जे मिस्टर ट्रंप ने झूठ बोलिया तो मोदी साहब को कह देना चाहिए ट्रंप ने झूठ बोलिया देखो गल ये कोई बच्चे वाली गल तो है नहीं कि हाँ जी उन्हें कहता इन्हें कहता सितंबर दे विच जिस तरह पहले साडे रिश्ते कमजोर हो जाएंगे जे कितना जे मोदी साहब जे मोदी साहब ट्रंप लड़ाई कहते हैं साडे रिश्ते कमजोर लड़ाई असी लड़ रहे हैं चाहे अतवाद के खिलाफ है चाहे वो चाइना के खिलाफ लड़ रहे थे और जो एक रिश्ते जो अमेरिका के नाल जां असी जो सराउंडिंग बनाए ने असी एक दिन उन्हें खत्म नहीं कर सकते और अगर अही एक दिन या दो दिन उस गल की वेट कर रही है कि उतों की स्टेटमेंट आँदी है साड़ी स्टेटमेंट तो बाद दे विच मेरे ख्याल ज़्यादा बैटर है उतों स्टेटमेंट आ रही है उतों स्टेटमेंट आ रही है इतों प्रधानमंत्री साहब की स्टेटमेंट आई उस तो बाद कोई स्टेटमेंट नहीं आई सिर्फ एक वाशिंगटन उत्थे भी तो स्टेटमेंट आई है उस तो सिवा कोई स्टेटमेंट नहीं आई विक्रमजीत एक सवाल होर भी है पब्लिक डोमेन के जो तैरता पै है मैं लास्ट टिप्पणी थोड़ी लैनी हैगी है कहते अमरीका के जो आस पास अपने खिते के मसले है उन्होंने सुधारण की बजाय अमरीका कश्मीर वाल क्यों तुर रहा है नहीं कश्मीर वन तो इट इज़ कश्मीर नू ट्रंप नोज कि कश्मीर इंडिया लिए बड़ा सेंसिटिव इशू है सो जब भी तुसी हिस्ट्री देखो जब भी रॉबिन रफेल की स्टेटमेंट तुम्हें याद होगा 1993 इट क्रिएटेड अ ह्यूज फेरोबन उन्होंने भी सेम गल की थी कि वी आर रेडी टू इंटरवीन इन कश्मीर सो जब भी अमेरिका इंडिया नू बैकफुट ते करना चाहता है डिफेंसिव ते तो यह कश्मीर का मुद्दा चक के अगे सुट दिंदा ठीक है ना और को कहना कि मोदी साहब जिस तरह जो अपने आप को एक बड़ा स्ट्रोंग इंडियन लीडर मार्केट करते हैं पोलीटिकली उन्होंने कह देना कि उन्होंने ट्रंप की मिन्नता की कि तू मीडिएट कर ये मोदी लिए पोलीटिकली बड़ा डैमेजिंग इस बयान देना इंडिया बैकफुट पर है बिल्कुल बैकफुट पर और मोदी पोलीटिकली पर्सनली बैकफुट पर है और मैं कहना कि इस गल में सच्चाई भी है कि अमेरिका डज मीडिएट बिहाइंड द सीन्स तुसी कारगिल वॉर में देखो कारगिल वॉर में अमेरिका ने मीडिएशन का रोल नहीं प्ले किया इट वॉज नवाज शरीफ हू वेंट टू क्लिंटन ऑन जुलाई 4th क्लिंटन गेव हिम अश्योरेंसेस एंड द पाकिस्तानी आर्मी स्टार्टेड टू विदड्रॉ सो बिहाइंड द सीन वाजपेयी के जेडे प्रिंसिपल एड सी शक्ति सिन्हा जिस तरह प्रिंसिपल सैकटरी है उसकी स्टेटमेंट्स पढ़ लो उन्हें कहा जी ब्रजेश मिश्रा ने सैंडी बर्गर जो अमेरिका ऑफिशियल उन्होंने कहा जी तुम इन्हों मना लो नहीं सर अभी यह कर देंगे मीन्स मीडिएशन तो कर ही रही थी ना अमेरिका मैं निकी जी गल जरूर ऐड करनी चाहना कि करतारपुर लांघे का भी जो जो ट्रंप ज उतों के एडमिनिस्ट्रेशन ने सपोर्ट कर रहा यह कोई वड्डी गल नहीं होगी कि एक्चुअली उन्होंने इन्हों क्या हो इस जरूर खोलो हर हालत खोलो ताकि जेडे देश के जेडे बिल्कुल हो जो अभिनंदन का रिटर्न है वो तो बिल्कुल बहुत धन्यवाद विक्रम जी थोड़ा प्रसम जी सिंह फहीम उद्दीन दार बहुत धन्यवाद हरजीत पलो थोड़ा बहुत धन्यवाद असी कोशिश की है संजीदा चर्चा होवे ते ट्रंप के टारगेट की है पाकिस्तान के टारगेट की है भारत के टारगेट आ उन्हें नुकसान तो नहीं हो रहा बहुत सारे सवाल असं पूछे है तो इस बहस तो इस चर्चा तो तुम्हें पता लग गया होगा टारगेट है की है कश्मीर वाला कलेष है जोड़ा वोट बैंक की पॉलिटिक्स है की है तो इस समझ की जरूरत है की है इस किसू नफा होगा किसू नुकसान होगा यह भविख की गोद में है पर अज इस बयान से कलेष है मोदी साहब कदों बोलेंगे की जवाब देंगे असं इंतजार कर रहे हैं बहुत धन्यवाद